वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम अलकलम एकेडमी एंड दिस इज क्लास 4 यूनिट 4 एक्सरसाइज 5 एडिशन ऑफ नंबर। तो बच्चों अभी हम लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ नंबर्स। तो एडिशन विद नो कैरी, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एडिशन विद नो कैरिंग, ठीक है, विदाउट कैरिंग। विदाउट कैरी किस तरह ऐड किया जाता है पहले वो सीखेंगे। तो सपोज करो यहाँ क्वेश्चन है आपका 43,212 और प्लस 54,087, इन दोनों को प्लस करना है। तो फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे देखो वंस, ऊपर लिखेंगे वंस, फिर नी टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और 10,000, ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। अब ये जो नंबर देखो, ये फर्स्ट में क्या होता है वंस, तो वंस के नीचे लिखेंगे टू, टेंस होता है वन तो टेंस के नीचे लिखेंगे वन, हंड्रेड होता है टू, ये 200 है तो नीचे टू, थाउजेंड प्लेस पे क्या है थ्री और 10,000 प्लेस पे फोर। सेकंड नंबर जो है ये, उसको भी सेम वैसे ही लिखेंगे राइट साइड से, कभी भी स्टार्ट क्या करना है वंस से स्टार्ट करना है, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड के नीचे हंड्रेड, थाउजेंड के नीचे थाउजेंड और 10,000 के नीचे 10,000। अब देखिए इसमें कैरी नहीं है, 7 to 9 तो यहाँ लिखना है 9, ठीक है, फिर 8 1 9 2 0 2 4 3 7 और 4 5 9। तो ये फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में आपको क्या हो गया 2 + 7 = 9, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है 8 + 1 = 9, थर्ड हमारा है 2 + 0 = 2, 3 + 4 = 7 एंड लास्ट हमारा है 4 + 5 = 9। ये आपको नहीं करना है, ये मैंने समझाने के लिए यहाँ लिखा हूँ, ठीक है, आपको बस ये करके छोड़ देना है। ये जो है लिखना है 2 और 7, देखो 2 और 7 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 9, 1 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 9, 2 और 0 को ऐड करेंगे तो 2, 3 4 ऐड करेंगे 7 और 4 5 ऐड करेंगे तो 9। तो इस तरह से आपको ऐड करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए सेकंड, तो एग्जांपल 2 है आपका, सपोज करो 4,36,712 प्लस 3,13,149। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे वंस, देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 और लाख, ठीक है। अब नीचे पुट करेंगे तो यहाँ देखिए वंस क्या है 2, टेंस क्या है 1, 107,006, 3 और 4, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है 9, 4, 1, यहाँ देखो 9, 4, 1, 3, 1 and 3 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 9, 2। ठीक है, अब ये कैरी वाला, इसमें कैरी ले लेंगे 9 to 11 का 1 कैरी 1, 4 1 5 और 5 और ये 1 कैरी ऐड हो जाएगा तो 5 1 6 7 1 8 6 3 9 3 1 4 and 4 3 7, ये आपका हो गया एडिशन, ठीक है। अगर कैरी रहेगा ना
तो जैसे 10 से ज़्यादा रहेगा, 10 या 10 से ज़्यादा, तो उसमें लेफ़्ट साइड वाले को कैरी ले लेते हैं। 9 to 11 हुआ ना, तो 11 का लिखेंगे 1, और ये जो 1 है वो क्या हो जाएगा, ऊपर कैरी हो जाएगा, वो इसमें ऐड हो जाएगा सेकंड नंबर में, ठीक है। फिर यहाँ कैरी नहीं है तो 7-1 ऐड, ओके। चलिए नेक्स्ट अब देखिए, कुछ मैं आपको कैरी वाला सिखा देता हूँ। और तो अब सपोज करो कि आपको ऐड करना है 74,561 + 16,789। तो यहाँ देखिए, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, तो यहाँ लिखना है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड और 10,000, ठीक है। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, तो वंस के नीचे वंस 6, 5, 4, 7, और इसके नीचे क्या लिखना है 9, 8, 7, 6, 1। अब ये कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले 1 और 9 है, तो 1 प्लस 9 क्या होता है 10, तो 10 का ये जो 0 है राइट साइड वाले नंबर को नीचे लिखना है, और ये लेफ्ट साइड वाला कैरी हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड वाले नंबर को 0 लिखना है और लेफ्ट क्या हो जाएगा कैरी। फिर ये जो कैरी है ना, ये सेकंड डिजिट टेंस प्लेस पे ये ऐड हो जाएगा, 1 + 6 + 8, तो ये क्या हो जाएगा 15। फिर 15 का ये जो राइट साइड वाला नंबर है उसको यहाँ नीचे लिखेंगे, और ये जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड फिर कैरी हो जाएगा 100 प्लेस का, ठीक है। फिर इसे ऐड करेंगे 1 + 5 + 7, तो ये क्या हो जाएगा 13। फिर 13 का ये 3 यहाँ नीचे लिखेंगे, और ये 1 क्या हो जाएगा कैरी। फिर नेक्स्ट देखो, 1 + 4 + 6 = 11, तो फिर 11 का 1 यहाँ लिखेंगे, और ये 1 क्या हो जाएगा फिर कैरी। अब यहाँ देखो लास्ट में क्या है, कोई डिजिट तो है नहीं, तो लास्ट में जो आंसर आएगा आपको वो आंसर लिख देना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कैरी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो भी कैरी रहेगा ना तो कैरी लेना है आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल, किसी भी नंबर को अगर आप किसी भी ऑर्डर में चेंज करते हो, जैसे 42 + 84, तो अब इसे अगर आपको ऐड करना हो कॉलम मेथड में लिखना हो, तो कॉलम मेथड में कैसे लिखिएगा, तो फर्स्ट नंबर देखो, जैसे ये टेंस है ये वंस है, तो 42, 84, ठीक है। तो ये 4, 2 क्या हो जाएगा 6, और 8, 4, 12। अब इसके ऑर्डर को अगर आप चेंज कर दो, किसी को भी ऊपर लिखो या नीचे लिखो, आप ऐड करोगे तो आपको आंसर सेम आएगा। जैसे 42 ऊपर है, 84 है, या इसके ऑर्डर को चेंज कर दो, 84 को ऊपर लिखो और 42 को नीचे लिखो, तब भी आपका आंसर क्या होगा सेम आएगा, ठीक है। तो किसी भी ऑर्डर को आप चेंज करके अगर ऐड करते हो तो आपका आंसर कभी भी डिफरेंट नहीं आएगा। किसी भी नंबर को आप ऊपर या नीचे लिख सकते हो दोनों में से, जैसे आपको 42 और 84 को ऐड करना है, तो अगर आपको जैसे 42 और 84 को ऐड करना है, तो 42 ऊपर लिखो 84 नीचे, या 84 ऊपर लिखो 42 नीचे, आंसर आपको सेम आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर आपको 3 नंबर है 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 9, 6 and 24, 5, 4, 6, इस तीनों नंबर को ऐड करना है, यहाँ 3 नंबर है, तीनों को कॉलम में लिखकर ऐड करना है। तो कॉलम में लिखने के लिए सबसे पहले काउंट करेंगे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, तो यहाँ लिखेंगे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड और 10,000। फिर नीचे नंबर लिखेंगे 8, 7, 6, 5, 4, उसके नीचे 6, 9, 5, 4, 3, और उसके नीचे 6, 4, 5, 4, 2, ये नंबर लिखेंगे, ठीक है। अब इस नंबर को लिखने के बाद क्या करना है, प्लस कर देना है, तो ये प्लस करेंगे 6, 6, 12 और 12, 8, 20, 0, carry 2, फिर 2 और 7, 2, 9, 9, 9, 18 और 4 क्या हो जाएगा 22 का 2, carry 2, फिर 6, 2, 8, 8 और 5, 13, 5, 18, 8, फिर carry 1,
सिक्स फोर टेन फोर फोर्टीन टू फोर कैरी वन फोर वन फाइव थ्री एट टू टेन, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर से देखो, एट सिक्स कितना होता है फोर्टीन, फोर्टीन सिक्स ट्वेंटी का ज़ीरो कैरी टू, सेवन टू नाइन नाइन एटीन, एटीन फोर ट्वेंटी टू को टू कैरी टू, सिक्स टू एट एट टेन, और फाइव थर्टीन फाइव एटीन का एट कैरी वन, फाइव वन सिक्स सिक्स फोर टेन फोर फोर्टीन का फोर कैरी वन, और फोर वन सेवन सेवन थ्री टेन, और फोर थ्री सेवन सेवन टू नाइन, और नाइन वन टेन, तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है।